आपको ये टेलीफोन बूथ सिर्फ मिलते ही इंग्लैंड के अंदर है। बहुत ठंड है, छोटा हवा चल रही है, बहुत बुरा हाल है, बहुत ठंड है। अगर ये ब्लॉगिंग नहीं करनी होती तो शायद नहीं निकलते बाहर। हम अपने होटल में रहे, वजह से हम यहाँ पर है, आपकी वजह से हम लंदन में अभी तक। हम सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि भाई कैसा कंटेंट है और क्या लंदन है। आज हाइट पार्क में वॉक कर रहे हैं, आपको हवाओं का शोर आ रहा होगा, बहुत ख़तरनाक ब्रीज है और सिर्फ आप लोगों की वजह से निकले हैं। तो अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अभी भी हमारे पूरा कंटेंट नहीं देखा तो मज़ा नहीं आएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज सेकंड डे है लंदन का, मैं और बिलाल सुबह सुबह, आज 25 दिसंबर, यहाँ पे तमाम चीज़ें बंद होती हैं। यहाँ पे ना ट्रांसपोर्टेशन होती हैं, ना ट्राम है, ना बस है, ना ही कोई टैक्सी होगी। एम्प्टी हो गया इसी आज क्रिसमस है। आज क्रिसमस में बिलाल बता रहे हैं सब कुछ एम्प्टी होगा। हम एक सुपर स्टोर से कुछ लेंगे क्योंकि आज थ्रू आउट हमारी वॉक है। आज हम आपको बकिंगम पैलेस, लंदन आई, लंदन ब्रिज और आपको सेंट लंदन का पूरा वॉक कराएंगे, तो आपको एंजॉय करवाते हैं। आपने कल हमारा थैंक यू ये देखें आप, आपने कल हमारा जो व्लॉग देखा हुआ होगा विंटर वंडरलैंड का, आज हम आपको लंदन की सीरीज दिखाते हैं। देखिए हाइड पार्क, वेलकम टू हाइड पार्क। और ये हाइड पार्क का पूरा मैप है, आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा मैप हाइड पार्क है। ये जितने भी ये बार्स हैं, जितने भी यहाँ पे कॉफ़ी शॉप्स हैं, आज सब बंद हैं क्योंकि 25 दिसंबर है। हर इंफॉर्मेशन इस पर दी गई है। ये हमारे सामने आप देख सकते हैं ग्लैडिएटर्स बने हुए सामने, ये रोमन अम्पायर के दौर का एक स्टैचू बना है। यहाँ पे इंसान हो ना हो कुत्ता ज़रूर होगा लोगों के पास, ये यहाँ का बड़ा वो है। आप देखें हम हाइड पार्क पे वॉक कर रहे हैं और यहाँ से हाइड पार्क यहाँ से घूमते हैं और फिर वहाँ जाना है ना हमने, ये देख लेते हैं। हाइड पार्क में है सब, जी बिलाल और मैं हाइड पार्क में वॉक कर रहे हैं और आपको हाइड पार्क की वॉक दिखा रहे हैं। बहुत शदीद हवा चल पड़ी है, ये मफलर और ये कैप सब कुछ कम पड़ रहा है, बहुत ठंड है। बिलाल ने भी कैप पहन ली है, देखें आप, और आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत फाउंटेन्स बने हुए हैं हमारे बैक साइड पे, आप देखो बहुत हसीन जगह है। तो चलें आपको वॉक दिखा रहे हैं, एंजॉय कीजिए हाइड पार्क की वॉक।
सबसे अच्छी बात ये है कि इनकी आप मेरे सामने अंकल रनिंग करते हुए आ रहे हैं, आप इनकी एज देखें, ही इज़ अराउंड 75-80, पर आप फिटनेस देखें कि सब लोग यहाँ फिटनेस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। इतनी सख्त ठंड है उसके बावजूद लोग यहाँ वॉक कर रहे हैं, कोई रनिंग कर रहा है, आप देखिए। देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत बर्ड्स हैं, आप देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये आप देखिए, नमूना बनाया है उन्होंने और बोन से आर्च बनाई। अब वो देखिए सामने आपको वो कैनिंगस्टन हॉल है, ऐसे कुछ याद नहीं है, कैनिंगस्टन हॉल। ये हाइड पार्क इतना बड़ा, यहाँ पे कौवे ब्लैक कलर के होते हैं भाई, ये देखिए आप कौवों का कलर पूरा ब्लैक कौवा है। यहाँ हर जगह पे देखें प्रिकॉशंस के लिए इन्होंने ये चीज़ें हैंग की हुई हैं, देखें लिखा हुआ है नो फिशिंग अलाउड इन लेक, देख रहे हैं आप तमाम चीज़ें डिटेल में की हुई। आप ये देखिए मेरे बैक साइड पे हाइट पार्क के यहाँ पे सामने वो क्रिसमस पार्टी हो रही है बैक साइड पे, आप देख सकते हैं। तो हम सब वॉक कर रहे हैं हाइट पार्क में, आप ये देखिए, और हम जा रहे हैं इस पर बकिंगम पैलेस। पहले जब घूमता था ना मैं, तो मुझे इतना कोई टेंशन नहीं होती थी, बस घूमना है आपने। मैं ट्रैवलिंग, तो मैं इंग्लैंड लास्ट 20 ईयर से आ रहा हूँ कंटिन्यू, और आपको घूमना होता, घूमे फिरे, चिल किया और चले गए। गर्मी में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। हाँ, बिलाल कह रहे हैं कि जो गर्मियों का सीज़न है डेफिनेटली जून जुलाई अगस्त वुड बी द बेस्ट चॉइस फॉर इंग्लैंड, क्योंकि यहाँ पर दिन लंबे होते हैं, आपको जो है क्या कहते हैं उसको, सूरज जो है वो आपको रात 10-11 बजे तक रहता है, रोशनी रहती है। अभी तो ये है कि 2-2.5 बजे आपको अंधेरा हो जाता है और आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, और फिर ठंड वो तो है। तो इस वक्त हम हाइट पार्क में वॉक कर रहे हैं, तो आपको हाइट पार्क का ये वॉक थ्रू दिखा रहे हैं, क्योंकि हाइट पार्क भी एक मेजर अट्रैक्शन है लंदन की। अगर आप लंदन आएँ और हाइट पार्क ना आएँ तो आई थिंक ये गलत करेंगे आप। देखिए लोग यहाँ पे इनको दाना डाल रहे हैं, हमारे पहुंचे हैं पाकिस्तान में।
रात में हम यहाँ आए थे, आप देखें रात में हमने जो आपको विंटर वंडरलैंड पार्क दिखाया वो ये सामने है। एक रास्ता ये जा रहा है इसका और एक रास्ता स्ट्रेट है, तो हम जो है आपको यहाँ जगह जगह मॉन्यूमेंट स्टैचूज नज़र आएंगे, यूरोप के अंदर बहुत कॉमन है। आप मतलब इन्होंने हर चीज़ को जो है ना उसको हिस्ट्री दिखाने के लिए उसको आप इस तरह प्रिजर्व किया हुआ है। इस वक्त हम हाइट पार्क से बाहर निकल रहे हैं, आपको हाइट पार्क का एक टूर करवाया, वॉकिंग टूर, उम्मीद है पसंद आएगा आपको। और ये ठंड बहुत है, इस ठंड में नॉर्मली आना जो है ना हैरान कौन है। आप देखेंगे टूरिस्ट बहुत कम है, अदरवाइज़ अगर आप गर्मियों में जून जुलाई अगस्त में यहाँ आएँ तो यहाँ बहुत रश होता है, चलने की जगह नहीं होती। उस वक्त हम जा रहे हैं बकिंगम पैलेस की तरफ, तो आपको दिखाते हैं बकिंगम पैलेस, चलिए आइए। फर्स्ट स्ट्रीम असेसमेंट सेंटर, मैं इस वक्त इनकी पार्लियामेंट स्ट्रीट पर मौजूद हूँ। पार्लियामेंटेरियंस के जो लॉजेज़ हैं वो इस स्ट्रीट पर हैं, जिस तरह हमारे इस्लामाबाद पार्लियामेंट लॉजेज़ हैं हमारे एम पी एस एम एन एस के, ये भी पार्लियामेंट स्ट्रीट है, यहाँ पार्लियामेंटेरियंस अब इनके रहते हैं। आप ये देख सकते हैं मेरे बैक साइड पर कितना सुकून से और कितनी सफाई के साथ रखा हुआ है, आप नीट एंड क्लीन देखें और क्या ऑर्गेनाइज हैं, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट, कोई शोर शराबा नहीं। आप देखिए हम वेस्ट मिनिस्टर एरिया में घूम रहे हैं और सब अट्रैक्शंस आपको सेंट्रल लंदन में इधर ही मिलती हैं। हम बकिंगम पैलेस के बाद इस वक्त ट्रफाल्गर स्क्वायर जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ के व्यूज़, यहाँ की वॉक दिखा रहा हूँ मैं आपको, कि क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा वर्चुअल ट्रैवल के लिए। अगर आपने वर्चुअल ट्रैवल करना है तो डेफिनेट डोंट फॉरगेट इट। आप ये देखें ये विक्टोरियन रीजनल रोड, thank you.
ट्रिफॉल का एट ट्रिफॉल्गर स्क्वायर, मैं सर ट्रिफॉल्गर स्क्वायर पे खड़ा हूँ सन लंदन के अंदर। बिलाल मेरे साथ हैं, देख सकते हैं मेरे वेबसाइट पे। ये पूरा तो इसकी बहुत रिच हिस्ट्री है, ये भी यहाँ की एक मेन अट्रैक्शन है। लोग अगर लंदन आएँ और ट्रिफॉल्गर स्क्वायर ना आए तो ज़्यादती करेंगे। ये है, आपको मैं दिखाता हूँ, मैं आपको उसका पूरा टूर करवाऊँगा। यहाँ पर एक नेशनल गैलरी है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड पे हमारे एक ब्रिटिश कैनेडियन एम्बेसी है, तो एक हिस्ट्री है इसकी बाकायदा। नहीं, नेशनल लाइब्रेरी गैलरी है एक्चुअली, नेशनल गैलरी है हम जिस गैलरी में। और ये डाल इस वक्त हो रही है क्योंकि 12:45 हो चुके हैं इस टाइम की बेल है। जिस तरीके से मैंने आपको जर्मन मार्केट दिखाई थी बर्मिंघम की, ट्रिफॉल्गर स्क्वायर पे भी जर्मन मार्केट लगती है, मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन क्योंकि इस वक्त आज 25 दिसंबर है, यहाँ पे 20 दिसंबर को टोटली ऑफ होता है। हम अक्सर ये लोग ये समझते हैं कि 25 दिसंबर को यहाँ बड़ा हंगामा होता होगा या बहुत जो है लोग हल्ला गुल्ला करते हैं। सारे हल्ला गुल्ला जो है ना वो होते हैं 24th को या 26th से ऑनवर्ड। आप देखें कि जर्मन मार्केट मेरी बैक साइड पर पूरी पैक बंद पड़ी हुई, पूरी बंद पड़ी यहाँ पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आप इस वक्त हाइट पर हैं, बस अभी हम कॉफ़ी के लिए आए हैं। कॉफ़ी के लिए मसला ये है कि हमें यहाँ पे जब भी हम ट्रैवल करें हमें इस बात का ख्याल रखना हलाल फूड का। नॉर्मली हमारे यहाँ बहुत बड़ा तबका है वो ये कहते हैं बिस्मिल्लाह पड़े खाने, बस ऐसा नहीं है। तो सुबह से ब्रेकफास्ट भी कुछ नहीं किया था, तो ये एक वेज, यहाँ पे वेज का भी लिखा हुआ होता है, मीन के लिए हलाल है। तो वेजिटेरियन है, एक वेजिटेबल का ये एक रैप है, उसको गुजारा करते हैं। और कॉफ़ी मैंने लाते ऑफ़र की है बिलाल ने, वो लेके आ रहे हैं अभी, तो कॉफ़ी पीते हैं। आपने देखा कि हमने स्टार्ट की उस वॉक अपनी, ऑलमोस्ट हम पिछले 2.5 से 3 घंटे तो वॉक कर रहे हैं। हमने स्टार्ट किया सन लंदन से, हम पहले हम बकिंघम पैलेस आए, हम इसके अलावा हम हाइड पार्क पे वॉक की, और वॉक करते करते भी यहाँ पहुँचे हैं। अब यहाँ से हमें इंशाल्लाह हमने जाना है लंदन आई और लंदन ब्रिज दिखाएंगे आपको। और उम्मीद है कि एक इंडियन रेस्टोरेंट है कि 25 दिसंबर को सब कुछ बंद होता है, तो कुछ भी ओपन नहीं होता, मुजाहिदा है। लेकिन चलें दिखाएंगे आपको मुख्तलिफ चीज़ें, तो अभी कॉफ़ी को इन्जॉय करते हैं। मेरा तो लंच हो गया भाई, तो मुझे भूख लगी थी बहुत शदीद और कॉफ़ी की तलब, ठंड बहुत है। बिलाल लेंगे कुछ देर यहाँ बैठे, अपने आप को वार्म करें, फिर निकलेंगे, बिग बैन जाएंगे, एनर आई जाएंगे। ज़्यादा दुकानें बंद है, ये मसला है, शॉप सारी बंद है। मेरे सामने लड़ो ना, आपको बिग वैन दिख रहा होगा, बिग वैन है। यहाँ बूथ पे वाईफाई फ्री है, फ्री वाईफाई ऑन बूथ। इस वक्त हम वॉक कर रहे हैं, ये सिनेमा
हम इस वक्त वॉक कर रहे हैं वेस्टमिंस्टर वाइट हॉल में, और ये उसका पूरा मैप है। मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको ऐसी अट्रैक्शंस दिखाऊं कि जो बड़ी मतलब फेमस भी हैं और हमने कहीं ना कहीं बचपन में या कभी देखी हैं। इस वक्त मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये वेस्ट मिनिस्टर स्टेशन अंडरग्राउंड है। आप देखें मैं सामने खड़ा हूँ, अगर आपको याद हो हैरी पॉटर के सेकंड पार्ट में ये जगह दिखाई गई है, और ये एरिया उसमें बहुत डिटेल में दिखाई गई क्योंकि हैरी पॉटर बेसिकली ब्रिटिश सीरीज़ है, तो इनमें अक्सर लोकेशन जगह दिखाई गई है। फिर ठंड लगना शुरू हो गई है। ये बिग बैन है, अभी हम बिग बैन पे जा रहे हैं, बिग बैन सामने है, और ये वेस्ट मिनिस्टर हाउस है। वेस्ट मिनिस्टर आदि। टूरिस्ट बस के ऊपर हम भी जा सकते हैं, ये फिर कहाँ से मिलता है टिकट? हाँ देख तो लिया सारा वॉक कर चले। वैसे तो जल्दी से दिखाते सब कुछ। हाँ देखिए साइकिल्स के लिए भी यहाँ पे स्टॉप हो रहा है, साइकिल वाले मूव कर सकते हैं, सबसे पहले साइकिल मूव करेगी। ये बिग बैन है सर, आप कुछ काम हो रहा इसका पता नहीं क्या हो रहा। What? बिग बैन में पहुँचूंगा, देखिए मेरे बैक साइड पर बिग बैन है, मतलब ये हमारा ट्रेडमार्क है इंग्लैंड का। बिग बैन तो आपको पता मशहूर है, आपने बहुत मूवीज़ में देखा होगा, बहुत जगह देखा होगा बिग बैन। और मेरे इसके बैक साइड पे एक जगह पे आपको तो लंदन आई दिख रहा है। लंदन आई के लिए तो मैं डेफिनेटली आपको सेपरेट कल, क्योंकि आज ऑफ है, कल मैं आपको लंदन आई पे बाकायदा विजिट कराऊँगा, दिखाऊँगा आपको, तो अभी आपको इन्जॉय करवाते हैं बिग बैन के शॉट्स। हम फिर बदनाम पाकिस्तान वाले, देखें ये भी चीटिंग कर रहे हैं, ये ग्रुप है, ये क्या करता है कि इन्हीं के बंदे जो है ना डिसाइड करते हैं कौन सा कप खाली है, कप खाली में अगर आपने सही कप सेलेक्ट कर लिया तो पैसे मिलते हैं। इन्हीं के लोग हैं जो बीच में लोगों के सामने पैसा कमाते हैं, फिर आपके पैसा की बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ा गेम हो रहा होता है। देखें ये सब चीटिंग है, ये आप इन्हीं के लोग, आप ये देखेंगे, ये हम समझते हैं कि चीटिंग पाकिस्तान में होती है, गेम इन्हीं के लोग मेले में लगाते हैं पैसे। देखा ये पैसे बना रहे हैं, ये चीटिंग का गेम है। इन्हीं के लोग होते हैं जो खड़े होते हैं, वो आपको जो है ना दिखाते हैं कि जी हमने देखिए जी वर्चुअल व्यू मैं दिखा रहा हूँ आपको इस वक्त, ये आपका
देखेंगे शरक एडवेंचर है। Shrek's Adventure, London. The London Dungeon. साइड से देखिए आप, ये हम वेस्टमिंस्टर और बिग बैन के अपोजिट खड़े में आप देख सकते हैं। कोशिश कर रहे हैं कहीं से भी हमें मौका मिल जाए ड्रोन फ्लाई करने का, जो कि मिल नहीं पा रहा। पार्लियामेंट स्क्वायर पे खड़ा हूँ, आप मेरे देखें बैक साइड पे पार्लियामेंट है, वेस्टमिंस्टर बिल्डिंग, बिग बैन सामने है। आप ये देखें, मैं आपको पूरा एक सर्कल दिखाता हूँ कि मेरे बैक साइड पर चर्चिल का मॉन्यूमेंट बना हुआ है। इस वक्त मैं वेस्ट मिनिस्टर बिल्डिंग पे खड़ा हूँ, देखें आप। ये वेस्ट मिनिस्टर सर्कल है, दुनिया के सबसे ज्यादा टूरिस्ट इस जगह पे आते हैं, दुनिया के सबसे ज्यादा टूरिस्ट। ये चर्चिल का यहाँ पे एक मॉन्यूमेंट बनाया हुआ है। ये सेंट्रल लंदन की वॉक दिखा रहे हैं आपको हम इस वक्त जो है पार्लियामेंट स्क्वायर से अब अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त हम मेफेयर टाउन में घूम रहे हैं, पूरे एरिया को मेफेयर कहते हैं। और ये आप देखें बहुत ही आज कितना पीसफुल है, क्योंकि आज 25 दिसंबर है। मैं आपको मुसलसल बता रहा हूँ कि सब कुछ ऑफ है, वरना यहाँ पे ट्रैफिक बहुत होती है। आप देखें
वेलकम टू एस टी जेम्स पार्क. दिस इज एस टी जेम्स पार्क. बिलाल भी जा रहे हैं हम इस वक्त. ये देखिए सारी पत्ती हैं, कितने फ्रेंडली यहाँ पे देखिए पैरट्स. यहाँ पे ये नॉर्मल पैरट्स जो बैठे हुए हैं ना, कुछ है नहीं हमारे पास, हम इसको देखते हैं. नॉर्मल पैरट है. देखो बिलाल हाथ पे आ रहे नहीं आ रहे. बिलाल हाथ पे ले, हाथ 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 नीचे करो, आ जाएगा. नहीं इस पे करो, यूँ करो हाथ. तो देखो वो अंकल देखें क्या कहते हैं, खिला रहे हैं अपने हाथ से, फीड कर रहे हैं. Yeah, I did all that.